मामला जिला बेमेतरा के शासकीय उच्च माध्यमिक शाला मोहरेंगा का है, जहां 9वीं और 11वीं के 30 बच्चे परीक्षा में पास हुए, वहीं 70 बच्चे पूरक व फेल हैं। वहीं पैसा लेकर पास कराने की बात सामने आ रही है, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई। वहीं कलेक्टर के निर्देशानुसार जांच अधिकारी मोहरेंगा स्कूल पहुंचे, जहां बच्चों के द्वारा बताया गया कि एक लड़के को 2,000 से 2,500 रुपए दिए गए, जिसमें 30 से 25 बच्चों ने पास कराने के एवज में पैसा दिया। जब उनका रिजल्ट आया तो उन्हें फेल का अंक सूची दिया गया, तब बच्चों ने कलेक्टर शिकायत किया। ओकर से पैसा लेके पास करत है, ओमन हा पैसा देके पास हो सकते है, जे मन हा गरीब है ओमन हा कहां से पैसा देके पास हो सकते। अच्छा, ये बात पैसा की बात कौन करी सब है? ये तो कपिल देव बोली से। जी हाँ। का बोले है, पैसा तो पास हो गए के? हाँ, और सबके रिजल्ट ला ओमन हा जमा करे है आवेदन के साथ पास होई करके, जे मन हा गरीब है ओमन कहां से पैसा देके पास हो सकते। वही दूसरी ओर जाँच के दौरान एक एकल शिक्षक का अलग से रजिस्टर बना हुआ था, जिसमें आशुतोष पांडे का हाजिरी भरा हुआ है। जांच अधिकारी के द्वारा आशुतोष पांडे का स्कूल आने के बारे में पूछा गया तो शिक्षकों ने कोई जवाब नहीं दिया। जांच अधिकारी तहसीलदार और बीओ के द्वारा बच्चों के मांग अनुसार पेपर को गोपनीय रूप से जांच कराने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान पेपर और हाजिरी रजिस्टर को जब्त किया गया है। यहाँ भयंकर समस्या है, सबसे बड़े प्राचार्य इतना भ्रष्टाचारी है, पूरा फीस के पैसा पूरा लड़का मन ला लगभग 125 है 11वीं में, ओला 99 लिखल फेल करे 60 लिखल, और लगभग 20 जना सप्लीमेंट्री दे है, और लगभग 150 लिखल 9वीं में है वो 99 लिखल फेल करे है, और लगभग वही 20-25 जना पूरा कला है, और जितका फेल करे है टीगर मन से गुप्त CID भेज के कहे कि तू मन 3,000 रुपये लाओ और सब लोग चुपचाप पास कर दूँ, बताना कोई नहीं है। तो कई जन लड़का दे है जगह साक्षी है, लिख के दे को 1,000 करोड़ अपन देखे, बाकी पैसा अंक सूची की बात देवो के है, और जब अब अंक सूची अभी मांगे ले नहीं सब, ये हम अंक सूची सबकी जमा करा ले ओरिजिनल ला, सबके अंक सूची जमा करो और आवेदन जमा कराए, आवेदन भी होकर सब लड़के मन में ये लड़का का आवेदन है, झलके बोल मार्कशीट बन गए है, मार्कशीट सब दे दे रही इसे, उसके बाद पास होने का मार्कशीट फिर मिला, ओकर बाद फिर की तुम सब जमा कर दो पैसा दो, ओकर बाद तुम नवा मार्कशीट पास करके तुम लोग देबो। अच्छा, मोर सामने एक बात है, मैं सामने में मैं लिख के दे हूं, अब लड़का मल के मोर जमा करे मैं दूंगा। दोनों मार्कशीट आप रखें, फेल और पास वाली? नहीं, पास वाले देबे नहीं करत ना आप। अच्छा, अब बात बवाल हो गए, चारों मुड़े 90-90 लेकर 99 लेकर 9वीं फेल होना, 60 लेकर 11वीं फेल होना, तो ये बहुत बड़े बवाल हो गए, सब में पैसा वसूलना, गुप्त CID रखे रही, जो पैसा वसूले वाला कौन था उसका जो पैसा वसूल रहा था? आए? क्या नाम उनका जो पैसा वसूल रहा था? कौन कौन बताओ जी, अपन नाम बता। कपिल एक मेन है। अच्छा, कपिल तो क्या वहाँ यहाँ का शिक्षक है? कोई जो कुछ नहीं है, यू पढ़ाई लेकर उसका चेला पढ़ा है, कॉलेज स्टूडेंट है कॉलेज के, तो मतलब सेट करी कि तुम पैसा लाओ। कल हमको माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो शिकायत पत्र जो टेकराम कोशले के द्वारा जो शिकायत पत्र लिखा गया है उसकी कॉपी हमको प्राप्त हुई है, और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जाँच के लिए हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहरेंगा उपस्थित हुए हैं, और यहाँ पर शिकायत करने वाले सभी विद्यार्थी गवाह और स्कूल स्टाफ की उपस्थिति में जांच किया गया है। पहला शिकायत जो था पेपर में सही नंबर प्राप्त नहीं हुआ है बच्चों को पुनर्मूल्यांकन से संबंधित था, जैसा उन्होंने अपने आवेदन में दर्शाया है, इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी साथ में है और पेपर को पूरी तरीके से पुनर्मूल्यांकन के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के मतलब उनके निर्देशानुसार ले जाया जा रहा है। दूसरा चीज, एक यहाँ पे शिक्षक पदस्थ है, जैसा बताया जा रहा है कि आशुतोष पांडे उनका नाम है और वे नियमित रूप से यहाँ पे उपस्थित नहीं रहते हैं, ऐसा उनके बारे में शिकायत है। इस संबंध में भी गवाहों से और उपस्थित स्टाफ से पूछताछ किया गया और उनका उपस्थिति पत्रक भी चेक किया गया और सारी चीज़ें जो हैं वो पंचनामा में संलग्न करके लिखा गया है। क्या उपस्थिति पंजी उसका अलग है या फिर एक ही साथ है? चूँकि ऐसा बताया जा रहा है शिक्षक प्रिंसिपल के द्वारा कि ये शिक्षक जो है अटैच है इस स्कूल में, मुनर बोर्ड का ये मूल शिक्षक है, तो उसकी उपस्थिति पंजी जो है अलग निष्पादित हुई है और उसमें उसके साइन है, शासकीय कार्यालयीन दिवस जो है उसमें साइन है, और जो भी अवकाश दिवस है कोरोना काल रहा है उसमें उसकी हस्ताक्षर नहीं पाए गए। सर, बच्चों ने पहचाने से इंकार किया, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, पंचनामा में भी इस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि हुई है कि एक दो बार देखे हैं, कभी कभार देखे हैं, ऐसा बच्चे बताया है जिसको मैंने पंचनामा में स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया है। एक ओर स्कूल में शिक्षक की कमी है, वहीं दूसरी ओर एक शिक्षक की लगातार अनुपस्थिति होने की बात सामने आई है। शिक्षा का स्तर नीचे गिरता देखा जा सकता है, ऐसे में भला बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जाते आप स्वयं देख सकते हैं। ये शिकायत तो मेरे संज्ञान में फिलहाल नहीं है,
और शिकायत आई है तो इसकी विधिवत जाँच करा के जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो साल से तो स्कूल बंद था, कोरोना काल में स्कूल तभी स्टार्ट हुआ, तो जिन से प्रॉपर स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम वगैरह चलते थे, है ना। और बच्चे को मुझे मेरा नाम नहीं पता, तो कहीं नाम दिखा नहीं किसी का स्टाफ का यहाँ पे, था मुझे बच्चों का नाम नहीं पता। 16 जून से आप स्कूल लगातार आ रहे हैं जी, कौन से विषय पढ़ाते हैं आप? मैं आर्ट्स पढ़ाता हूँ। आर्ट्स पढ़ाते हैं, इसमें से आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे कौन है अभी स्कूल खुला सर? हाँ नहीं तो जून से भी इसका दो तीन दिन में पढ़ाया, वो आपने पढ़ाया हाँ स्टार्ट कहाँ हुआ अभी ढंग से बुक अभी आज बांटे हमको। तो आप इसमें फरवरी जनवरी में भी तो आप यहीं थे ना पत्रवार में? यहाँ था मैं जनवरी में थे। जनवरी में किसी बच्चे को पढ़ाया हुआ स्कूल उसमें कहाँ चल रहा था प्रॉपर? पेपर ऊपर जब ये कोई पेपर में था, पेपर में आए थे। आर्ट्स वाले कौन से बच्चे इसमें जो पेपर दिला रहे थे? पहचानते थे इन, पहचानते मेरे को ना, वैसे भी नहीं पहचानते। अच्छा ये लोग पहचानते आप लोगों को? आपको मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। देखिए कौन पहचानता कौन नहीं पहचानता, यहाँ 500 बच्चे हैं। 500 बच्चे में से एक बच्चे भी दो बच्चे भी पहचानता होगा सर आपको? अगर आप दो दिन भी स्कूल आए होंगे तो पहचानते होंगे बच्चे से? आप लोग नहीं सर। कौन है वो पता नहीं सर, आज ही पता चला, आज पहली बार देख रहे हैं सर उसको। पहली बार देखे हो आप? यस सर, आज से पहले कभी नहीं देखे। स्कूल कब से खुला है आप लोगों का? 16 जून से। 16 जून से सर एक बार भी मिले हैं आप लोगों से? नहीं सर।